नमस्कार दोस्तों वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन तो चलिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पर देखने वाले हैं सेल स्टाइल के बारे में तो सेल स्टाइल का मतलब होता है पर्टिकुलर सेल आपने सेलेक्ट करे जो आपने डिज़ाइन की हो नहीं भी डिज़ाइन किए तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ देखिए आपको सेल स्टाइल में बने बनाए सेल दिखेंगे देखिए किस प्रकार के सेल आप लाना चाहते हैं देखिए यहाँ जो भी सेल आप सेलेक्ट करोगे उस सेल की स्टाइल आपके सेलेक्टेड सेल में अप्लाई हो जाएगी हेडिंग वन हेडिंग टू हेडिंग थ्री किस प्रकार की सेल स्टाइल आपको लाना है ये चीज़ आपको समझ में आई चलिए इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ चाहे तो आप अपनी खुद की न्यू स्टाइल बना सकते हैं तो न्यू स्टाइल पे मैं जैसी क्लिक करूँगा तो आपके पास में न्यू स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स आ गया इसमें स्टाइल वन नाम दीजिए या फिर आप दे दो माय सेल स्टाइल इस प्रकार आप नाम दे सकते हैं बगैर स्पेस के यहाँ किस किस चीज़ को आपको क्या करना है फॉर्मेट करना है देखिए नंबर अलाइनमेंट इन सभी चीज़ों को तो इन सभी चीज़ों को फॉर्मेट करना था आप फॉर्मेट में जाइए और फॉर्मेट में गए तो देखिए फॉर्मेट सेल इसमें आप जो जो फॉर्मेटिंग करना चाहोगे चलिए अलाइनमेंट मैंने कर दिया फॉन्ट में कर देता हूँ बोल्ड यहाँ फोर्टीन में कर देता हूँ एटीन और मैं इसका कलर कर देता हूँ क्या अब बैकग्राउंड हम बदल देंगे चलिए इसका अंडरलाइन रहने देते कलर कर देते इसका येलो और बॉर्डर हम जो भी है मैनेज करना कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर हम कर देते ब्लैक और इसको कर देते ओके okay, ठीक है अब यहाँ देखिए एक सेल स्टाइल हमारी ऑलरेडी जुड़ चुकी है आ गई इसको हम सेलेक्ट करेंगे हमारी सेल स्टाइल आ गई हम खुद की पर्सनल सेल स्टाइल को बनाकर देखिए कस्टम नाम आ रहा कस्टम मतलब हमारी इच्छा अनुसार तो उसे बोलते हैं कस्टम तो कस्टम सेल स्टाइल को हम ऐसे क्लिक करें तो हमारी सेल स्टाइल आ गई तो आई होप आपको सेल स्टाइल समझ में आई होगी सेल स्टाइल का आप उपयोग कर सकते हैं चलिए अब होम टैब के अंतर्गत जो स्टाइल ग्रुप है उसी के अंतर्गत हम जो नेक्स्ट मतलब ऑप्शन है जो फॉर्मेट टेबल है इसको हम देखने वाले हैं अब फॉर्मेट टेबल का मतलब होता है कंप्लीट टेबल आपके पास बनी होनी चाहिए तभी आप फॉर्मेट टेबल कर सकते हैं नहीं तो कोई जरूरत नहीं है तो टेबल आप बना लीजिए टेबल कैसे सीरियल नंबर नेम एड्रेस कोर्स इस प्रकार बना लीजिए मैं इसको नॉर्मल स्टाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ ये देखिए नॉर्मल स्टाइल में इस प्रकार कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको छोटा कर देते हैं चलिए टेबल मैंने सर बना लिया टेबल बनाया मैंने वन टू थ्री फोर फाइव यानी टेन तक बना लिया कुछ नाम लिख दिए कुछ एड्रेस लिख दिए कुछ कोर्स लिख दिए तो फॉर्मेट टेबल में जाएंगे तो यहाँ हम जो है पर्टिकुलर टेबल स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल तो था नहीं हमने बनाए थे एक नॉर्मली हमको पता था टेबल बनाए हमने पर टेबल था क्या नहीं था टेबल नहीं था उसको टेबल बनाना पड़ेगा पहले फॉर्मेटिंग करने से पहले तो क्रिएट टेबल अच्छा क्रिएट टेबल बनाने के लिए आपको इंसर्ट टैब का भी उपयोग करना पड़ता पर हम यहाँ अगर फॉर्मेट कर रहे हैं तो फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दीजिए डायरेक्ट आपको कंप्लीट टेबल जो सेलेक्ट है उसकी यहाँ क्या आ गई है सिलेक्शन आ चुकी है आ गई फिर से क्लिक करें देखिए सेलेक्ट है सेलेक्ट कर लिए उसके बाद आपको कहाँ जाना है कोई भी स्टाइल पर क्लिक करिए ये देखिए मैंने क्लिक करा इसके अलावा देखिए यहाँ फॉर्मेट मतलब आपको ऑटोमेटिक जो है टेबल की रेंज आ चुकी है एक एक सेल के एड्रेस को सेल एड्रेस बोलते हैं और एक से अधिक सेल के एड्रेस को सेल रेंज बोलते हैं ठीक है तो ये तो टेबल है टेबल की रेंज कहलाएगी और नीचे माय टेबल हैज़ हेडर हेडर का मतलब होता है सीरियल नंबर नेम एड्रेस कोर्स जो डाटा लिखे उसका हेडर तो अगर हेडर है तो टिक रखिए हमारे पास हेडर है तो हमने टिक रखे आपके पास हेडर नहीं होगा तो उसको आप अनटिक कर दीजिए करें ओके okay? ओके okay, जैसे करोगे तो आप देखिए आपका जो सेल स्टाइल थी टेबल स्टाइल उसके अकॉर्डिंग जो टेबल है वो फॉर्मेट हो चुका है ध्यान से देखिए और फॉर्मेट होने के साथ साथ आप देखिए सीरियल नंबर नेम एड्रेस कोर्स इसमें आप देखिए सीरियल नंबर में डाउन एरो जुड़ चुकी है कॉर्नर पर ये देखिए डाउन एरो जुड़ चुकी है तो आप इस डाउन एरो का उपयोग करके इनमें फिल्टरिंग का उपयोग कर सकते हैं अब फिल्टर क्या होता है फिल्टर का मतलब होता है बहुत बड़े डाटा में से आप अपनी मर्जी का डाटा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए उपयोग करते हैं फिल्टर चलिए यहाँ हम जो है किसको देखना चाहते हैं एड्रेस तो एड्रेस में हम अगर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में फ़िल्टर की एक विंडो डिस्प्ले होगी जिसमें देखिए नीचे आपको दिख रहा है सेलेक्ट ऑल के नीचे भोपाल छिंदवाड़ा जबलपुर मान लो हम किसी एक को देखना चाहें जबलपुर जबलपुर को हम देखना चाहते हैं देखिए जबलपुर के दो स्टूडेंट हैं फिर से हम क्लिक करें हम जबलपुर के साथ में भोपाल देखना चाहते हैं भोपाल के स्टूडेंट हैं पर हम जबलपुर भोपाल को ना देखें और सिर्फ छिंदवाड़ा देखें तो सिर्फ छिंदवाड़ा के बच्चे देख रहे हैं तो हमने किस में फ़िल्टर लगाए एड्रेस में पर यदि हम फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट ऑल कर दें ये देखिए इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी रहते हैं इक्वल टू किसके बराबर हो डू नॉट इक्वल टू बिगेन विथ किससे शुरू हो रहा है ठीक है ये सारी चीज़ हम जो है कहाँ पे देखेंगे जब हम फार्मूला लगाएंगे ना वहाँ पे हम देखेंगे इसके अलावा आप यहीं से शॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं तो शॉर्टिंग मैं बताऊँगा आपको जैसे मान लीजिए ये जो है यहाँ पे चलिए इसको हम जो है क्या करते हैं इसमें जाते हैं और शॉर्टिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करें तो देखिए टेन से लेकर वन आ गया तो इसमें हम जो है शॉर्टिंग भी कर सकते हैं शॉर्टिंग मतलब क्रम अनुसार जमाना उल्टा या सीधा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में शॉर्ट वाई कलर भी कर सकते हैं ठीक है तो ये कलर शॉर्टिंग में हम विस्तार से देख लेंगे अभी आपको टेबल समझाना था तो टेबल आपको समझ में आया हम जो टेबल बनाते हैं वो टेबल होता नहीं है हम टेबल कैसे बनाते हैं होम टेब में इस टेबल में जाकर पर्टिकुलर स्टाइल पर क्लिक करके हम जो है टेबल बनाते हैं देखिए टेबल बन गया और टेबल डिज़ाइन टैब आपका अलग से आ जाता है देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन होते हैं जो हमारे काम के होते हैं हैडर देखिए हैडर को आप लाना चाहते हैं हटाना चाहते हैं देखिए आप गायब कर सकते हैं टोटल रो को लाना चाहते हैं हटाना चाहते हैं देखिए टोटल रो आ गई है अगर टोटल रो लाना है तो अच्छी बात अभी ज़रूरत नहीं है बैंडेड रो का मतलब होता है देखिए बैंडेड रो मतलब एक कलर का रहेगा फिर दूसरा कलर फिर एक कलर फिर दूसरा कलर तो देखिए ऐसे आप कॉम्बिनेशन जमा सकते हैं उसके अलावा फर्स्ट कॉलम को अलग करना है तो देखिए फर्स्ट कॉलम बोल्ड हो गया लास्ट कॉलम को अलग करना है लास्ट कॉलम बोल्ड हो गया तो ये आप रखना नहीं रखना बैंडेड कॉलम करोगे तो ये ज़रूरत नहीं है कोई एक करिए या तो रो बैंडेड करिए या कॉलम बैंडेड करिए ठीक है फिल्टर ऑप्शन आना चाहिए देखिए फिल्टर ऑप्शन गायब हो चुका है फिल्टर ऑप्शन हटा सकते हैं ला सकते हैं ठीक है समझ में आया आपको उसी प्रकार आप यहाँ से स्टाइल बदल सकते हैं देखिए स्टाइल मैंने बदल दिया ये देखिए वही ऑप्शन फिर से आ गया आप स्टाइल बदल सकते हैं ये तो होगी बनी बनाई स्टाइल की बात अब जैसे हमने सेल स्टाइल बनाया वैसे हम टेबल स्टाइल भी बना सकते हैं तो न्यू टेबल स्टाइल से टेबल स्टाइल बन जाती है न्यू टेबल स्टाइल पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ न्यू टेबल स्टाइल का आ गया है और माय टेबल स्टाइल करके हम इस प्रकार बना लेते हैं और होल टेबल में हम जो है फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या फिर फर्स्ट कॉलम में करना चाहते हैं देखिए जो भी करना चाहते हैं हेडर रो किस प्रकार फॉर्मेटिंग होगी होल टेबल में करना चाहते हैं तो होल टेबल में आप जो है बॉर्डर कैसे लाना है फॉन्ट कैसे लाना आप बना लीजिए जैसे हमने सेल में बनाए थे चलिए मैं एक ठो बना के बताता हूँ बोल्ड यहाँ फ़ॉन्ट ले लिया उनने खुद ब खुद बॉर्डर आपको कैसी लेना है ठीक है ये आउटलाइन लेना है ठीक है या फिर आपको कंप्लीट वाली लेना है देखिए कंप्लीट ले लिए और इसका कलर क्या लेना है हाँ, हम ले लेते हैं चलिए रेड ले लेते हैं और रेड लेके हम फिर से इस प्रकार क्लिक कर लेते आ गई हमारी बॉर्डर फिल कौन सा लेना है फिल हम लाइट ले लेते हैं और ओके okay कर दीजिए अब देखिए नॉर्मली हमने बनाए हैं और ये जो होता है हेडर रो दिख रही है आपको हेडर रो हेडर रो को फॉर्मेट कर दीजिए हेडर रो के जो है फॉन्ट को हम बोल्ड कर देते हैं और इसके कलर को हम जो है थोड़ा सा चेंज येलो कर देते हैं और इसके फिल को हम जो है ब्लैक कर देते हैं ठीक है बॉर्डर तो ले ली जाएगी ओके okay. चलो इसको कर देते हैं ओके okay. अब हम इसको कंप्लीट सेलेक्ट करते हैं और कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं फॉर्मेट में और कस्टम करके हमारा टेबल बन चुका है तो हम खुद का एक जो है क्या बना सकते हैं एक प्रकार से चलिए यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूँ फॉर्मेटिंग क्लियर क्लियर फॉर्मेटिंग और यहाँ चलते हैं और हमारा खुद का देखिए हमारी खुद की टेबल स्टाइल आ चुकी है आ चुकी है तो हमने यहाँ पर टेबल की स्टाइल को बनाना टेबल बनाना टेबल की स्टाइल को बदलना मैनेज करना सब देख लिया और खुद की स्टाइल बनाना भी देख लिया आई होप आपको टेबल स्टाइल समझ में आई होगी फॉर्मेट टेबल स्टाइल तो यहाँ से आप टेबल स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं चलिए मैं इसको जो है क्या कर देता हूँ बने बनाए फॉर्मेटिंग में चेंज कर देता हूँ ठीक और ये जो है फिल्टर ऑप्शन भी हम यहाँ से हटा देते हैं फिल्टर ऑप्शन कैसे हटाते हैं टेबल डिज़ाइन में जाओ फिल्टर ऑप्शन को हटा दो ठीक है ये हटा दिए